पवन खेड़ा जी, क्या आपको इस बात का एहसास है कि चाहे इस देश में कितनी भी नीतियों की बात हो, चेहरों और शख्सियतों के इर्द गिर्द ही देश की राजनीति चलती है, आगे बढ़ती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक कंफ्यूज्ड नेता इस देश पर थोप रहे हैं? ये मैं इसलिए कह रही हूं सर, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के नाम लेने में वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, वो राफेल की कीमत बताने में अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंकड़े कोट कर देते हैं। अब ऐसी शख्सियत के सहारे कब तक आप लोग डिफेंड करते हुए पॉलिटिक्स को आगे ले जाइएगा? क्योंकि आपने तो शिवराज को मौका दे दिया ना अपने आप को चमकाने का। अंजना जी, इनके भ्रष्टाचार की फेरिस्त इतनी लंबी है, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगी, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, सुबह से शाम हो जाएगी, लिस्ट चलती चली जाएगी। तो वो तो छोड़, प्रसाद मुखर्जी का नाम भूल गए, महात्मा गांधी का नाम भूल गए, और सुनिए, पंडित नेहरू सरदार पटेल के अंत्येष्टि पर नहीं गए, ये प्रधानमंत्री ने बोला है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? हमने वीडियो दे दिया। एक और सुनिए, अभी थोड़े दिन पहले लाल किले से खड़े होकर कहते हैं कि कुछ नियम बना लेते हैं, किलोमीटर दूर गांव में बिजली नहीं थी, ठीक है, कुछ बिजली 1985 में आ गई, एक एक करके बोलिए। इतना बड़ा झूठ नहीं, देखिए माफ कीजिएगा, नियम तो हमारे नकवी साहब ने नहीं फॉलो किए। नकवी साहब ने पप्पू बोला तो बाइट डाली है, आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं सर, उनकी तो बाइट डाली है सर, वो लाइव थोड़ी है हमारे साथ। संबित पात्रा जी, अनेकों ऐसे उदाहरण है जब प्रधानमंत्री से भी भाषण देते वक्त गलती हुई, तब तो इतना बड़ा बवाल नहीं मचा। अब ऐसे में क्या देखा जाए, आपके लिए सियासी बवंडर वो खुद ही कह रहे हैं कि कंफ्यूज थे। षड्यंत्र करके झूठ के माध्यम से देश में लगातार भ्रम की राजनीति फैलाना, ये वो प्रधानमंत्री हैं पवन जी, जो अपने देश की आबादी 600 करोड़ बता देते हैं। सवाल तो सुनिए सर, अपने देश सवाल तो सुनिए सर, ठीक है, मुझे पता है कि आपने फैक्चुअल जो एरर्स उन्होंने किए हैं उसकी पूरी लिस्ट बनाई है, आप जरूर सुनाइएगा क्योंकि सबको जानना चाहिए, आप बोलिएगा। लेकिन सर एक सवाल भी सुन लीजिए, देखिए भ्रष्टाचार बड़ा ही संगीन मुद्दा होता है, उसमें भी जब वो किसी को नेम कर रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझिए सर, जब वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसी का नाम ले रहे हैं, एक मौजूदा मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं, उनके बेटे का नाम ले रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये बहुत, मतलब फौपास की लिस्ट में भी राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप ऐसी गलती कर दें और फिर बाद में इसको हल्के में कहें कि इतने सारे स्कैम है, मैं तो भूल जाता हूं किसका नाम कहां ले लूं, मेहुल चौकसी का नाम ले लेता हूं विजय माल्या की जगह, ये कैसे चलेगा सर? अब 19 तक कितने ऐसे कंफ्यूज रहेंगे वो? अंजना जी, जुबान फिसल जाए उससे देश का कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, नियत फिसल जाए तो देश का क्या हाल होता है वो आपने पिछले 4.5 साल में देख लिया। अरे जिस आदमी की नियत में खो, इंक्वायरी हुई, क्या निकला बताइए, कौन कौन संलिप्त थे? अरे संबित पात्रा जी, ये बातें यहां वहां की करने से कुछ नहीं होने वाला, हमें उसका जवाब दीजिए, रमन सिंह के सुपुत्र पर कार्रवाई क्या हुई? सांसद भी तो है ना वो, क्या पनामा पेपर्स में उनका नाम नहीं आया था? क्या मोदी जी के की जुबान नहीं फिसलती है? क्या मोदी से बात की है संबित पात्रा? गली गली में शोर ऐसे नहीं मचता है संबित पात्रा जी, 4 साल में मच गया, 4.5 साल में गली गली में शोर मच गया, ये पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। संबित पात्रा जी बहुत साफगोई से वो खुद ही मान रहे हैं कि राहुल गांधी की जुबान फिसल जाती है कभी कभी, लेकिन नियत अगर फिसल जाए किसी की तो वो देश को नुकसान करता है, और वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर चोट कर रहे हैं। ये तो सच है ना कि पनामा पेपर्स में रमन सिंह के बेटे का नाम आया? देखिए, केवल जुबानी फिसली हो राहुल गांधी की, ऐसा भी नहीं है अंजना जी, आप तो जानते